लिख दो 14 तारीख का करंट अफेयर, 14 तारीख का करंट अफेयर, 14 सितंबर, 14 सितंबर का करंट अफेयर लिख दो। किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए सरोद सरोद पोर्ट्स मंच की शुरुआत की है? सरोद किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवाद के लिए सरोद पोर्ट्स की लॉन्च किया है? समुद्र में होने वाले विवादों के निपटाने के लिए सरोद पोर्ट्स लॉन्च किया है। पूरा क्वेश्चन लिखना, किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को निपटाने के लिए सरोद पोर्ट का लॉन्च किया है? सरोद पोर्ट्स मंच को लॉन्च किया है, सरोद पोर्ट्स मंच को लॉन्च किया है कौन से मंत्रालय ने? नौवाहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नौवाहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है कौन सा? सरोद पोर्ट्स। किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्रों के विवाद को निपटाने के लिए सरोद पोर्ट मंच को लॉन्च किया है? नौवाहन मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ये केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं। मंडाविया ये हैं, मनसुख केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जो है कौन है? मनसुख मंडाविया है। ये हैं केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय, इन्हीं के पास है। सरोद पोर्ट्स मंच लॉन्च किया है नौवाहन मंत्रालय, और उसके मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया 21 की मेजबानी करेगा? कौन सा भारतीय शहर, लिख दो पूरा क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया 21 की मेजबानी करेगा? एरो इंडिया 21 की मेजबानी करेगा बेंगलुरु कहाँ है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक होगा। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। बी एस येदुरप्पा हैं इसके सीएम, और बैजूभाई वाला इसके राज्यपाल हैं, ठीक है, कर्नाटका की। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सरकारी नौकरियों शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदायों के आरक्षण पर रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के
शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है। समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है। आरक्षण पर रोक लगा दी है। कौन से राज्य ने मराठा साम्राज्य को आरक्षण दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है? महाराष्ट्र ने रोक लगा दी है। महाराष्ट्र की राजधानी आप पता होगा मुंबई है मेरी जान, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पता है ना आपको ये तो? अच्छा, और वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ये भी आपको पता होगा। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष हो गया, चलो आम, ये आपको पता है। पशु कौन सा है राजकीय पशु कौन सा है? गिलहरी। और पक्षी है कबूतर। और लोकसभा की सीटें कितनी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। लोकसभा की सीटें कितनी है? 48। और राज्यसभा 19। और विधानसभा है 288। ये तो आपको पता ही है, लिख चुके हो कई बार। कोई बात नहीं, रिवीजन चलता रहना चाहिए। इन चीजों का रिवीजन जितनी बार होगा उतना बढ़िया है, भूल जाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC। बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। SEBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। NSE का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। HDFC ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर चार लिख लो। किस देश ने जोल मतलब जल को बोला गया है, जोल फ्राग 99 एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? जोल फ्राग एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। किस देश ने जोल फ्राग एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ईरान ने। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और मुद्रा क्या है? तोमान। राष्ट्रपति हसन रूहानी। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी जी हैं राष्ट्रपति। बस उतना ही बहुत है, हसन रूहानी हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आप जल फ्राग 99 एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है ईरान ने। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा क्या है? तोमान है। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। राष्ट्रपति कौन है भाई? हसन रूहानी। याद रखते रहना। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? है इसमें नदी नहीं है। जल फ्राग 99 एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है ईरान ने। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और मुद्रा कौन सी है? तोमान। और राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। महाराष्ट्र के द्वारा क्या किया गया था? मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और CM कौन है? उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल वृक्ष क्या है? आम। पशु कौन सा है? गिलहरी। पक्षी कौन सा है? कबूतर। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288।
सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हो, उसके तहत इसको कैंसिल कर दिया है। कौन सा भारतीय शहर एशिया के सबसे बड़े एयरो स्पेस इंडिया 2021 की मेजबानी करेगा? एयरो शो होगा, एयर शो, ठीक है। अपना जितने भी हमारे वायुसेना में शामिल हमारे हवाई जहाज हैं वो एक शो करेंगे उसमें, और सबसे बड़ा एयरो शो होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होगा। उस एयर शो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कर्नाटका करेगा बेंगलुरु में 7 फरवरी 2021 में होगा कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगा। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ होता है? बेंगलुरु में। कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कर्नाटका। कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कर्नाटका, ठीक है। और सरोज पोर्ट्स एक मंच लॉन्च किया है समुद्र में होने वाले विवादों को। आप आए दिन देखते हो, आपको आए दिन ये खबर आती भी रहती होगी, कहा जी अब जो क्या किया, श्रीलंका के 5 मछुआरे पकड़ लिए, अब क्या किया जी म्यांमार से पकड़ लिया। अब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, ये चलता रहता है। तो जो समुद्री विवाद हैं, समुद्री विवाद से संबंधित, समुद्री विवाद को निपटाने के लिए कौन से मंत्रालय ने एक सरोद पोर्ट्स मंच लॉन्च किया है? नौवाहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। इन्हीं के पास इसका नौवाहन मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है मनसुख मंडाविया हैं। मनसुख मंडाविया शायद याद हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? मनसुख मंडाविया, याद करते रहना, मनसुख मंडाविया, नौवाहन मंत्रालय। कौन सा पोर्ट लॉन्च किया है? सरोद पोर्ट्स लॉन्च किया है समुद्री विवादों को निपटाने के लिए। सबसे बड़ा एयरोस्पेस शो एशिया का सबसे बड़ा एयरोस्पेस शो भाई कहाँ होगा? बेंगलुरु में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक। सुप्रीम कोर्ट के किस राज्य सरकार ने नौकरियों के आरक्षण को रोक लगा दी है? महाराष्ट्र के रोक लगा दी है भाई। चौथे क्वेश्चन का आंसर, जेल फ्रॉग 99 एक नौसैनिक अभ्यास किसने शुरू किया है? ईरान ने। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? मनसुख मंडाविया नहीं, कौन सा मंत्रालय था? नौवाहन मंत्रालय। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था बेंगलुरु। पहले का नौवाहन मंत्रालय। सरोद पोर्ट्स नाम का एक मंच लॉन्च किया है नौवाहन मंत्रालय द्वारा, और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होगा बेंगलुरु में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक। इंडिया, ठीक है, इंडिया 21 की मेजबानी करेगा बेंगलुरु। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के फैसले पर रोक लगा दी है? सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है महाराष्ट्र। और चौथा क्वेश्चन, जेल फ्रॉग 99 नौसैनिक अभ्यास ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, मुद्रा तोमान है। आगे लिख लो, और 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली किस राज्य ने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली लॉन्च की है? किस राज्य ने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू किया है? नई दिल्ली में। ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू किया है नई दिल्ली में। घर बैठे दिल्ली के लोग शिकायत करेंगे सिस्टम पर, ठीक है। ये कोविड-19 को लेकर इन्होंने चलाया है। कोविड-19 में लोग बाहर नहीं जाते, तो जो भी उनकी शिकायत है वो कर सकते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल जी हैं। उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं,
अनिल बैजल हैं उपराज्यपाल। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली को किसने बसाया? अनंगपाल तोमर ने बसाया। तोमरों की दिल्ली कहा गया था एक टाइम को, अनंगपाल तोमर। दिल्ली को किसने बसाया? अनंगपाल तोमर, लिख देना, अनंगपाल तोमर लिख देना भाई। किसे, छठा क्वेश्चन था ये, किसे किसे गुरु कैलूचरण, किसे गुरु कैलूचरण महापात्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, से सम्मानित, किसे गुरु कैलूचरण महापात्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किसको दिया गया है गुरु कैलूचरण महापात्रा पुरस्कार? महापात्रा पुरस्कार किसे दिया गया है? राम गोपाल मिश्र, राम नहीं है, राजगोपाल मिश्रा। गुरु कैलूचरण कला के क्षेत्र में है ये गुरु कैलूचरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका संबंध किससे है? कला से संबंधित है, ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है गुरु कैलूचरण पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर आठ पे आ जाओ। मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सुकड़ने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत सुकड़ने का अनुमान लगाया है? 11.5% सुकड़ जाएगी भारत की जीडीपी। जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी की फुल फॉर्म है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मूडीज एक अमेरिका की कंपनी है, मूडीज एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो 1909 में बनी थी। 1909 में ही क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना था ICC, और 1909 में ही मूडीज बना। 1909 में मुख्यालय यूएस में ही है इसका, यूएस में कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आगे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन और आ जाएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है मूडीज का? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क कौन सी नदी पर है? हडसन। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे मूडीज के? जॉन मूडी, वो छोड़ दो, ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइव स्टार विलेज योजना की शुरुआत किसने की? फाइव स्टार विलेज योजना की शुरुआत किसने की? फाइव स्टार विलेज योजना की शुरुआत किसने की है? ये भारतीय डाक विभाग ने किया है, भारतीय डाक विभाग ने ऐसा किया है।
फाइव स्टार विलेज योजना की शुरुआत की है। भारतीय डाक विभाग कब बना ये भी लिख दो, 1 अप्रैल 1854 को बन गया था, स्थापना हुई 1 अप्रैल 1854 को बना था भारतीय डाक विभाग। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। मुख्यालय बच्चों कहाँ है, नई दिल्ली में है। भारतीय डाक विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट ये शहरी क्षेत्र में है उन्हीं सब प्रोडक्ट को ये ग्रामीण क्षेत्र में लेकर जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इनकी सुविधाओं का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो बस यही है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया, 12 सितंबर को। दरअसल ये दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, दूसरे शनिवार को, जो भी सितंबर का दूसरा शनिवार पड़ेगा उसको मनाया जाएगा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, YSR योजना मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एक लास्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी 200 बिलियन डॉलर के पूंजीकरण वाली कंपनी बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है 200 बिलियन डॉलर पार करने वाली कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है भाई। याद रखना, किस राज्य ने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली, नई दिल्ली ने, नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। किसे गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, राजगोपाल मिश्रा। केलु महाचरण का संबंध किससे है, कला से। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कला के क्षेत्र में अपना अद्भुत योगदान देते हैं। मुडीज, जॉन मुडी ने इसकी स्थापना की थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सुकड़ने का अनुमान लगाया है, 11.5% भारत की जीडीपी सुकड़ जाएगी। और यूएस में है ये जो मुडीज है कहाँ, यूएस में है। इसकी स्थापना 1909 में जॉन मुडी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी पर है, हडसन नदी पर है। फाइव स्टार विलेज योजना, पांचों प्रकार के प्रोडक्ट जो कि शहरी क्षेत्र में दिए जाते हैं वही फाइव स्टार विलेज योजना की शुरुआत किसने करी है, भारतीय डाक विभाग ने। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, 1854, 1 अप्रैल 1854 को भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है बच्चों, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया, 12 सितंबर, ये प्रत्येक सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है जो भी दिन पड़े। कौन सा भारतीय कंपनी 200 मिलियन डॉलर की पूंजीकरण पाने वाली कंपनी बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है 200 बिलियन डॉलर। शायद आपको याद हो गया होगा।